हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदनी एक बार सड़क से जा रही थी, तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल कर चला जाता है। नंदनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अबे ओ अंधा है क्या, बाप दादा के पैसों पर उछल रहा है। ये अमीर लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, सड़क पर चलने वाले लोगों को तो जानवरों की तरह देखते हैं। मुझे सख्त नफरत है अमीर लोगों से। नंदनी बहुत गुस्से में थी और कपड़े हाथ से ही साफ करते हुए जा रही थी, तभी एक कोट पैंट पहने लड़का उससे टकराता है और नंदनी जमीन पर गिर जाती है। आज क्या सब लोग अंधे ही हो गए हैं? और तुम पक्का कोई अमीर हो ना, तभी तो कोट पैंट पहना है। तुम ये मत समझना कि तुम अमीर हो इसलिए मैं डर जाऊंगी। और एक बात बताओ, तुम अमीरों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस देता कौन है? गाड़ी तो चलाने आती नहीं है, बस सड़क पर चल रहे लोगों पर कीचड़ उछालना आता है, बदतमीज कहीं के। नंदनी अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल देती है और वो लड़का एक शब्द नहीं कहता। नंदनी काफी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है, तब वो लड़का मयंक खुद से बोलता है, अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई वो लड़की? अरे यार, पहली बार तो कोई लड़की मिली थी जिसको देखने के बाद मेरी बोलती बंद हो जाए और दिल की धड़कनें धड़कने पे मजबूर हो जाए। मयंक को नंदनी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। अगले दिन मयंक नंदनी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन एक साधारण से कपड़े में। मयंक को अपने घर देखकर नंदनी हैरान हो जाती है और मयंक से कहती है, अरे कैसे बेशरम आदमी हो, मेरे घर तक चले आए, और कल तक तो तुम कोट में थे, आज ये गरीबों वाले कपड़ों में कैसे आ गए? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? आपने शायद गलत समझ लिया मुझे मैडम जी, मैं भी आपकी तरह गरीब हूँ गरीब। वो तो मांगे हुए कपड़े थे जो नाटक कंपनी से मांग कर पहने थे मैंने। मैं तो आपसे भी गरीब हूँ बहुत ज्यादा, कल के लिए माफ़ी मांगने आया था। मेरी वजह से आप गिर गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे माफ़ी मांगू, और मैं यहीं पास में एक टूटे हुए किराए के मकान में रहता हूँ। देखा, यही तमीज होती है हम गरीबों में और पैसे वालों में। हमें अपनी गलती भी पता होती है और हम अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन अमीर लोगों को तो बस पैसों के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। सड़क पर भले ही कोई मर रहा हो, लेकिन मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकते। मयंक और नंदनी काफी बातें करने लग जाते हैं। मयंक अब नंदनी से रोज मिलने आने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक बार नंदनी काफी परेशान होती है और अपने घर में चुपचाप बैठी होती है, तभी मयंक वहाँ आता है और नंदनी मयंक से कहती है, तुम यहाँ काफी समय से रह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। तुम्हारा परिवार है भी या नहीं? है, परिवार है, सबके होते, मेरे भी है, मम्मी है, पापा है। तो बस फिर मुझे मिलना है तुम्हारे परिवार से। नंदनी की बात सुनकर मयंक सोच में पड़ जाता है और तुरंत अपनी माँ बाप से मिलने एक बहुत बड़े घर में जाता है, जहाँ मयंक की माँ शीला और पिता आनंद रहते थे। मयंक बेटा, कहाँ हो तुम आजकल, और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हमारी वो जो मेड है वो कहाँ है? वो तो काम कर रही होगी ना। ठीक है फिर, आप उसके पास जाइए, उसकी साड़ी मांगिए और पहन के तैयार हो जाइए। और पापा, आपके लिए जो मैं कपड़े लाया हूँ ना, आप वो पहन लो, और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा बस। और हाँ, आप लोगों को बाद में मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, अभी जो कह रहा हूँ वो करो बस। मयंक किसी को कुछ बोले नहीं देता और जल्दी से पुराने फटे कपड़े पहनकर अपने टूटे हुए घर ले आता है, जो उसने नंदनी को बताया था। ये सब क्या है मयंक, इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनने को कहा मुझे? मेरे पास एक से एक महंगी साड़ी और ब्रांडेड साड़ी है, मैं वो क्यों नहीं पहन सकती? और ये इतना टूटा हुआ घर किसका है? माँ पापा, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आज हमारे प्यार की परीक्षा है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जो कि अमीर लोगों को पसंद ही नहीं करती, जिसके लिए हमें कुछ टाइम तक गरीब बने का नाटक करना पड़ेगा, और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस। और हाँ, थोड़ी देर में आती होगी वो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मयंक की बात को सुनकर उसके माँ बाप भी झूठ में उसका साथ देते हैं। कुछ देर बाद नंदनी आती है। नमस्ते आंटी। ओ बेटा, तुम ही हो जिसके बारे में मयंक इतनी तारीफ करता है, वैसे हो तो तुम भी बहुत ही प्रिटी। क्यों मयंक के पापा, इज सो ब्यूटीफुल ना? मयंक, तुम्हारी माँ को इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है, इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये हमारी तरह गरीब है। ऐसा लग रहा है गरीब होने का नाटक कर रही है एक पुरानी साड़ी पहनकर। नहीं, हम तो गरीब है, हम तो बहुत गरीब है, हम तो इतने गरीब है ना कि मेरे मम्मी पापा के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है,
और वो एक ही टाइम पे धो धो के पहनते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊँ अपनी दुख भरी कहानी, हमें तो खाना भी सिर्फ एक टाइम का मिलता है, वो भी कई बार तो मिलता ही नहीं है। हाँ, मना कहाँ कर रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखकर लगता नहीं है, ऊपर से इंग्लिश भी कितनी अच्छी है, मुझे तो इंग्लिश के नाम पर बस एक इंग्लिश शब्द ही आता है। डॉटर माई डोंट नो इंग्लिश, वो टीवी देखना बहुत शौक है ना, तो जितनी भी आती है टीवी देखकर ही सीखी है। नंदनी और बाकी सब बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक झूठ ही चल रहा था। एक दिन शीला हीटर के आगे बैठी होती है, तभी नंदनी वहाँ आ जाती है। अरे आंटी, ये तो हीटर है ना, बहुत महंगा आता है, यहाँ कैसे? नहीं बिटिया, ये तो खराब है, कबाड़ी की दुकान में देखा था, उनसे बहुत कहा तो उन्होंने दे दिया, अब कोई चार मेहमान आए तो दिखा सकते हैं ना कि हमारे घर में हीटर है। लेकिन ये तो गर्म कर रहा है, आप झूठ क्यों बोल रही हो आंटी? नंदनी को शक हो जाता है और वो सवाल जवाब करने लगती है। तभी आनंद एक तसला लेकर आता है जिसमें लकड़ियां जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था। अरे नंदनी बिटिया, ये गर्माहट इस घर की आग की वजह से है। आनंद की बात को सुनकर नंदनी की गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मयंक और उसके परिवार का हाल बेहाल हो रहा था। रात में पूरा मोहल्ला सो रहा था, तब सभी लोग जाग रहे होते हैं। मयंक बेटा, कब तक हमें झूठ की जिंदगी जीने पड़ेगी, आज नहीं तो कल सब कुछ बताना ही पड़ेगा। माँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं नंदिनी को सब पता ना चल जाए, और चल गया तो क्या होगा। अरे मुझे तो इतनी नींद आ रही है, लेकिन खाट पे तो मुझसे सोया ही नहीं जाता, और ऊपर से ठंड से कपकपी हो रही है। अपने माता पिता का हाल देखकर मयंक रोज हिम्मत करता है कि नंदिनी को सच बता दे, लेकिन वो नहीं बता पाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शीला को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी। ये देखकर मयंक कहता है, माँ आप चार बार कह चुकी हो कि आपको प्यास लग रही है, अगर प्यास लग रही है तो पानी क्यों नहीं पी लेती, अगर पानी नहीं पियोगी ना तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और बीमार पड़ जाओगी, इसलिए पी लो यार पानी। ये पानी पीऊं मैं? एक तो पहली बार ये नाला का पानी है, अब तक तो पी रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे मयंक, तुझसे अगर नहीं बताया जा रहा तो हमें बता दे, हम जाके नंदिनी बिटिया को प्यार से सब बता देंगे, और वो भी हमें इतने टाइम से देख रही है तो उसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं सही है। पापा, अगर इतना आसान होता ना तो मैं कब का बता चुका होता उसे। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी हाथ में अखबार लेकर आती है और बोलती है, मयंक तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम गरीब हो। नंदिनी मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी कहा था तुम्हें वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अमीर लोगों से इतना नफरत करती हो, और इसी नफरत के कारण मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। अगर आज मैं इस अखबार में आप तीनों की तस्वीर नहीं देखती तब तो मुझे इस सच के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमने ये सब बस अपने बेटे के प्यार के लिए किया है, तुम हमें गलत मत समझो। सही कहा आंटी आपने, मुझे बुरा लगा जरूर है, लेकिन इस बात का कि आप सबको बस मेरी वजह से इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, मुझे नहीं पता था मयंक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नंदिनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो मयंक को कुछ ना कहकर अपना लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।